हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम गुजिया बनाएंगे, जो होली और दिवाली में ख़ास तौर से बनाई जाती है और ये खाने में बहुत ही मज़ेदार होती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक कढ़ाई में एक चम्मच घी डालूंगी। घी मेल्ट हो जाने के बाद इसमें चॉप्ड काजू बादाम डालेंगे और इसे हल्का रोस्ट कर लेंगे। यहाँ मैंने रोस्ट कर लिया है, अब इसे निकाल लेंगे। हम सेम कढ़ाई में एक चम्मच घी और डालेंगे। यहाँ मैंने हाफ कप सूजी लिया है। सूजी को मीडियम फ्लेम में हम 3 मिनट तक रोस्ट कर लेंगे। सूजी को हमें ज़्यादा नहीं भूनना है। तीन मिनट हो गए हैं, हमारा सूजी रोस्ट हो गया है। इसे भी प्लेट में निकाल लेंगे। मैंने यहाँ आधा कप नारियल का बुरादा लिया है। नारियल के बुरादे को हम 1 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इसमें मैंने घी नहीं डाला है। अब 1 मिनट हो गया है, इसे भी प्लेट में निकाल लेंगे। मैंने यहाँ घर का बना हुआ मावा लिया है। मावा हमारा आधा कप है। मावा को भूनकर सॉफ्ट बना लेना है। मैंने इसे फ्रिज में रखा था, इसीलिए जम गया है। इसे भी हम 2-3 मिनट भून लेंगे। मावा हमारा सॉफ्ट हो गया है, अब इसे भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब इन सबको हमें अच्छी तरह ठंडा कर लेना है। अब ये ठंडा हो गया है, हमें इसे मिला लेना है। यहाँ मैंने 1 चम्मच इलायची पाउडर डाला है, इसे भी मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पीसी हुई चीनी 1/2 कप लिया है, उसे भी डालकर हम अच्छी तरह मिला लेंगे। आप मीठा यहाँ अपनी पसंद से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ किशमिश डाला है, उसे भी अच्छी तरह मिला लिया है। हमारा फिलिंग तैयार है, इसे हम साइड में रख देंगे। अब हम डो की तैयारी कर लेंगे। यहाँ मैंने 2 कप मैदा लिया है। मैदा में 1 पिंच नमक डालकर इसे मिला लेंगे। अब यहाँ मैंने 3 बड़े चम्मच घर का बना हुआ घी डाला है, इसे भी अच्छी तरह मिला लेना है। मोयम में घी डालने से इसका स्वाद और भी अच्छा आता है। इसे आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। मैंने घी को अच्छी तरह मिला लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका सख्त डो लगा लूँगी। यहाँ मैंने हल्का गुनगुना पानी लिया है। मैंने यहाँ आटा गूंथ लिया है। अब इसे हम कवर करके 20 मिनट के लिए रख देंगे। 20 मिनट हो गए हैं, आटे को हम एक बार और अच्छी तरह मिला लेंगे। अब इसका छोटा छोटा लोई बना लेंगे। मैंने यहाँ पर गुजिया का साँचा लिया है। ये साँचा बाजार में आसानी से मिल जाता है। साँचा न होने पर इसे हाथों से भी बनाया जा सकता है। मैं यहाँ दोनों तरह से बताऊंगी। यहाँ मैंने जो लोई बना कर रखे थे उसका मैं पूरी बना लूंगी। पूरी हम पतला बनाएंगे, इससे हमारा गुजिया बहुत खस्ता बनेगा। यहाँ मैंने पूरी को पतला बेल लिया है। इसी तरह हम और पूरी बेल लेंगे। गुजिया के साँचा में हम घी अच्छी तरह लगा लेंगे, इससे हमारा गुजिया आसानी से बाहर निकल जाएगा। अब हम साँचे के ऊपर एक पूरी को सेट करेंगे। हमने जो फिलिंग तैयार किया था उसे हम पूरी के ऊपर डालेंगे। फिलिंग डालने के बाद हम पूरी के चारों तरफ पानी लगा लेंगे। अब हम साँचे को बंद कर देंगे और इसे हल्का दबाते हुए बंद कर देंगे और एक्स्ट्रा डो को हम साइड से हटा देंगे। अब हम साँचे से गुजिया को निकाल लेंगे।
देखिए हमारा गुजिया कितना आसानी से बाहर आ गया है। एक और गुजिया बनाकर दिखाती हूँ। साँचे के ऊपर मैंने पूरी को रखा, यहाँ मैंने फिलिंग को डाला, पूरी के चारों तरफ पानी लगा लिया और इसे दबाते हुए बंद कर लेंगे। एक्स्ट्रा डो को हटा देंगे। गुजिया हमारा तैयार है। अब गुजिया को मैं हाथ से बनाकर दिखाती हूँ। मैंने हाथों में एक पूरी लिया, अब पूरी के ऊपर फिलिंग को डालेंगे और चारों तरफ पानी लगा लेंगे। अब दोनों किनारों को मिलाते हुए बंद कर देंगे। दोनों किनारों को अच्छी तरह दबा लेंगे। इसे सुंदर बनाने के लिए हम किनारों को एक के ऊपर एक मोड़ते हुए डिजाइन बना लेंगे। यहाँ मैंने गुजिया में डिजाइन बना लिया है। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। इसी तरह हम सारे गुजिया को तैयार कर लेंगे। हथेली में एक पूरी रखेंगे, उसके ऊपर फिलिंग डालकर चारों तरफ पानी लगाकर दबाते हुए अच्छी तरह बंद कर लेंगे और इसे एक के ऊपर एक मोड़ते हुए डिजाइन बना लेंगे। मैंने गुजिया को तलने के लिए घी गरम कर लिया है। अब इसमें हम गुजिया को डालेंगे। घी को हमें मीडियम गरम करना है। हाई फ्लेम में पकाने से गुजिया जल जाएगा। घी में जितना गुजिया आएगा उसे डाल देंगे। गुजिया को मीडियम फ्लेम में उलट पलट के अच्छी तरह पका लेना है। यहाँ हमारा गुजिया गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसे हम निकाल लेंगे। इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है। इसी तरह हम सारे गुजिया को तल लेंगे। हमने सारा गुजिया तल लिया है। हमारा गुजिया बहुत ही अच्छा बना है और ये खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है। आप इसे स्टोर करके भी खा सकते हैं। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।